माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा ऑल मंजरी इन द हरे कृष्णा इन द क्लास। आशा है आप सब अच्छे से होंगे और अपना टेक केयर कर रहे हैं, राइट? जी माता जी। ओके, हरे कृष्णा। तो हम लोग जो है श्री प्रभुपाद की स्मॉल बुक पढ़ रहे हैं, राजविद्या। तो हमने जो है अभी तक सिक्स लेसन कवर कर लिया। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो भगवान के बारे में, प्रकृति के बारे में, भगवान के कार्यों के बारे में, भगवान की शक्ति के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली होगी। तो आई होप वो आपको पसंद आएगी और आप सही इन्फॉर्मेशन जब दे के परसेप्शन करेंगे दुनिया का, अपने कर्मों का, तो आप ज्यादा क्लियर विजन रख पाएंगे क्या करना है क्या नहीं। तो आज का ये जो टॉपिक है चैप्टर 7, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है गुरु में श्रद्धा तथा कृष्ण शरणागति रूपी ज्ञान। तो आइए पढ़ते हैं। कौन कौन पढ़ेगा आज प्लीज? गौरी पढ़ोगे आप? हाँ माता जी, सभी पढ़ेंगे शायद। ओके ठीक, तो सब थोड़ा थोड़ा पढ़ो, स्टार्ट कर ले। नम ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभृतम स्थापित ये नूतले स्वयं रूप कदा वयम वेदांति स्वदा नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेषाय भद्रे श्री विष्णु लोकनाथ स्वामी महाराज के नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेषाय भद्रे श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी के नाम के नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवसादि गौर सुंदर भगवान की जय। श्री राधा गोविंद देव की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। श्री गौर निताय की जय। रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय। लड्डू गोपाल की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। आने वाली एकादशी मोहिनी एकादशी की जय। गौर भगवान से हरि हरि बोल। यस जी, यस गौरी बोलिए। जी माता जी, भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में श्री कृष्ण इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समस्त यज्ञों में ज्ञानार्जन ही सर्वोत्कृष्ट यज्ञ है। श्रेया द्रव्य अद्या ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ बेहतर है, क्योंकि हे पार्थ, अंततो गोत्वा यज्ञ के रूप में किए गए सारे कर्मों की समाप्ति दिव्य ज्ञान में ही होती है। भगवद गीता 4.33। ज्ञान सर्वोत्तम यज्ञ है, क्योंकि यह बद्ध जीवन अज्ञान के कारण है। यज्ञ, तप, योग तथा दार्शनिक विवेचना का उद्देश्य ज्ञानार्जन है। दिव्य ज्ञान की तीन अवस्थाएं हैं, जिनसे भगवान के निराकार पक्ष का साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, अपने हृदय तथा प्रत्येक परमाणु के भीतर स्थित अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार, भगवान का साक्षात्कार किया जा सकता है। किंतु ज्ञानार्जन की सबसे पहली सीढ़ी यह जानना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरे जीवन का लक्ष्य इस भव बंधन से छुटकारा पाना है। बात यह है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसका उद्देश्य हमें वास्तविक ज्ञान तक पहुंचाने के लिए समर्थ बनाना होता है। भगवद गीता 7.19 में बताया गया है कि ज्ञान की परम पूर्णता कृष्ण की शरण ग्रहण करना है। बहुनाम जन्मान्ते ज्ञानवान, जो ज्ञानवान है मूर्ख नहीं, वही कृष्ण की शरण में जाता है और यही ज्ञान की चरम अवस्था है। इसी प्रकार भगवद गीता के अंत 18.66 में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मां च। सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों के फल से मुक्त कर दूंगा, भयभीत न हो। भगवद गीता 18.33।
66 ज्ञान का यह हरे कृष्ण आगे जी पढ़िए। ज्ञान का यह मूल्यतम अंश है, यदि हम वैदिक साहित्य का सभी पहलुओं से विश्लेषणात्मक अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि ज्ञान का सर्वोच्च शिखर कृष्ण की शरणागति है, और जिस प्रकार की शरणागति की संस्कृत की गई है पूर्ण ज्ञान में समर्पण। जब कोई पूर्णावस्था को प्राप्त होता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.1 में भी की गई है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर है। उनका शरीर सनातन आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वह सर्वस्व के मूल स्रोत है। वह समस्त कारणों के कारण स्वरूप है। उनका कोई उद्गम नहीं है। सर्व कारण शब्द सूचित करता है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। यदि हम ये खोजें कि हमारे पिता के पिता और उनके पिता कौन है, और इसी प्रकार और पीछे की और हमारी वंश परंपरा को खोजना संभव हो सके तो हम परम पिता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंच जाएंगे। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का तत्क्षण दर्शन करना चाहता है, किंतु हम इसके योग्य होने पर तथा पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने पर ही ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। हम ईश्वर को अपने समक्ष वैसे ही देख सकते हैं जिस तरह हम एक दूसरे को देखते हैं, किंतु इसके लिए योग्यता चाहिए, और वह योग्यता कृष्ण भावना मृत की है। कृष्ण भावना मृत का प्रारंभ श्रवणम से होता है, जो भगवद गीता तथा अन्य वैदिक साहित्य के माध्यम से कृष्ण के विषय में सुनना तथा कीर्तनम है, जिसमें हमने जो कुछ सुना है उसे दोहराना तथा कृष्ण के नामों के कीर्तन द्वारा गुणगान करना होता है। कृष्ण के कीर्तन तथा श्रवण से हम सचमुच में उनका संग प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वह परम पूर्ण है और तथा अपने नामों गुणों रूपों तथा अपनी लीलाओं से अभिन्न है। जो जो हम कृष्ण से संबंध स्थापित करते हैं तो वह हमें उन्हें समझने में सहायता करते हैं और ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान का अंधकार दूर करते हैं। कृष्ण हमारे हृदय में स्थित हैं और गुरु की भांति कार्य करते हैं। जब हम उनकी कथाएं सुनने लगते हैं तो हमारे मनों में अनेकों वर्ष से एकत्र हुई भौतिक कलमश की धूल क्रमशः दूर होने लगती है। कृष्ण सबके मित्र हैं, किंतु वे अपने भक्तों के विशेष मित्र हैं। जो ही हम उनकी ओर थोड़ा उन्मुख होने लगते हैं, क्यों ही वे हमारे अंतस्थल से अनुकूल आदेश देना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे हम धीरे धीरे उन्नति कर सकें। कृष्ण आदि गुरु हैं, और जब हमारी रुचि उनके प्रति बढ़ जाती है तो हमें किसी साधु या पवित्र व्यक्ति के पास जाना पड़ता है जो बाहर से गुरु का कार्य करता है। इसका आदेश श्री कृष्ण ने स्वयं निम्नलिखित श्लोक में दिया है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्व दर्शना। आध्यात्मिक गुरु के पास पहुँच कर सत्य सीखने का प्रयत्न करो, उनसे नम्रतापूर्वक जिज्ञासा करो और उसकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध गुरु तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा है। भगवद्गीता 4.6। थैंक यू सो मच। तो यहाँ तक पहले हम समझ लेते हैं, फिर गाँव हो जाएगा। तो इसमें श्री प्रभुपाद हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ज्ञान लेना। आप ये एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना कि हमें पढ़ना चाहिए, है ना, ज्ञान लेना चाहिए, सरकार भी जोर देती है ज्ञान लेना चाहिए। देखा आपने स्लोगन, ज्ञानी वास्तविक धन है, है ना, देखा है ना, हमें सब पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, ऐसे सुना, देखा है ना स्लोगन। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे श्री प्रभुपाद में एक्सरसाइज कर रहे हैं कि जैसे शास्त्र में या हमारे जो ग्रंथों में ज्ञान की बात की जाती है कि हमें ज्ञान देना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए, मटीरियल में भी बोला जाए ज्ञान देना चाहिए, ज्ञान देना। लेकिन जब शास्त्रों में ज्ञान देने की बात की जाती है और मटीरियल जगत में जो ज्ञान देने की बात की जाती है, दोनों में डिफरेंस है। मटीरियल जगत का जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण पर आधारित है, इसलिए अधूरा है, क्योंकि ये अपने बल पर ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम मनुष्य में दोष होते हैं, वो त्रुटि करते हैं, धोखा देते हैं, उनकी त्रुटियाँ से हमें त्रुटि है ना, और वो इल्यूजन है। तो ऐसा व्यक्ति पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण शास्त्र बता रहे हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिनमें कोई त्रुटि नहीं होती। इसलिए भगवान जब कोई ज्ञान प्रेजेंट करते हैं
ज्ञान में कोई भी त्रुटि नहीं होती, उसको सुधारने की आवश्यकता नहीं होती, उसको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं। तो इसलिए जो दिव्य ज्ञान है, जो राज विद्या है, इस ज्ञान को मनुष्य को लेने के लिए बताया, ठीक है। तो पहले ये क्लियर हो, ज्ञान इज वेरी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन कौन सा ज्ञान, राज विद्या का ज्ञान है, ये भी ज्ञान की बात की। तो भगवद गीता के बहुत चैप्टर है, उन्होंने बहुत अच्छे से अर्जुन को एक्सप्लेन किया सब यज्ञों के बारे में बताया, लेकिन कंक्लूजन दिया 4.33 में कि जो द्रव्य यज्ञ है, जो तो पैसे दे के यज्ञ किए जाते हैं, उनसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है ज्ञान। ज्ञान लेना है ना, कौन सा ज्ञान लेना, राज विद्या का ज्ञान, ये ज्ञान लेना जो है ये सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि जितने भी हम कर्म करते हैं, एक्शन करते हैं ना, खाना पीना उठना बैठना, जितने भी एक्शन करते हैं, इन सब की समाप्ति ज्ञान करते हैं। जैसा हमारा ज्ञान होता है वैसा हम काम करते हैं, क्यों जिन्न मारे, ठीक है ना, जैसा हमारा ज्ञान होता है वैसा हम कर्म करते हैं ना। हमारा ज्ञान यदि तमोगुणी होता है तो हम तमोगुणी कार्य करते हैं, ठीक है ना, बीटिंग करते हैं, शराब पीते हैं, है ना, मर्डर करते हैं, हत्याएं करते हैं, अशौचम रखते हैं, है ना, वायलेंस रहते हैं, असुरिक नेचर के होते हैं, वैसे कार्य करते हैं। अगर हमारा जो ज्ञान जो है वो रजोगुणी है तो हम ये चाहिए वो चाहिए और काम में लिप्त रहते हैं, स्त्री पुरुष आकर्षण में जो अट्रैक्शन करने वाले जो काम है, सुख देने वाले, उससे हम लगे रहते हैं। ये जो सत्वगुणी ज्ञान है इसमें हम आत्मा का आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। देखिए इन सबसे भी परे एक दिव्य अवस्था है, शुद्ध सत्वगुण, उसमें हम राज्य विद्या प्राप्त करते हैं। यहाँ पे यही एक्सप्लेन कर रहे हैं शिक्षकपाल कि जो ज्ञान यज्ञ है वो सर्वोत्तम है, ये नोट कर लीजिए आप, है ना, कि अगर आपको यज्ञ करना है, कोई कहता है कि यज्ञ करना है, सेक्रीफाइस करना, तो सभी यज्ञ में जो सर्वश्रेष्ठ ये होता है वो ज्ञान प्राप्त होता है ना। क्योंकि ये जो मटेरियल वर्ल्ड में हम जो दुख भोग रहे हैं, है ना, कुछ भी करते हैं दुख भोगते हैं, इल्यूजन आता है, रोग रहता है, जन्म रहता है, मृत्यु रहती है ना, आज ही दैनिक देखिए अभी कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं आधिक भौतिक है, आधे आध्यात्मिक, मन से दुख है, कितना दुखी रहता है, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे, है ना, शोक है, मोह है, मन से दुख है, और आदि भौतिक दुख भी, जीव से दुख है, कोरोना वायरस लेके है, फिर और वायरस आ रहे हैं अलग अलग तरीके के। तो कहने का मतलब है जीव एक चीज से निकलता नहीं कि दूसरी चीजें तैयार है। तो अगर हमें इन चीजों से मुक्त होना है तो हमें ज्ञान प्राप्त करना है। तो यज्ञ तप योग में जो ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ। तो अब जो बता रहे हैं दिव्य ज्ञान या राज्य विद्या जो है स्पिरिचुअल नॉलेज, ये तीन पार्ट में होता है। इसमें जाना जाता है कि भगवान कौन है और मेरा उनसे क्या संबंध है ना, ये हम भूल जाते हैं, ये संबंध एस्टैब्लिश करना। तो तीन स्तर होता है कि ब्रह्म का ज्ञान करना, भगवान एक ही होते हैं लेकिन अपने अपने लेवल के अनुसार हमें भगवान पता, कोई सोचता भगवान एक लाइट है, ब्रह्म का स्तर का ज्ञान, जैसे ऊपर होते हैं लोग बहुत लाइट है लेकिन भगवान का चतुर्भुज रूप है, वो विष्णु फॉर्म में रहते हैं, तो परमात्मा का रियलाइजेशन, परमात्मा का रियलाइजेशन में पता चलता है भगवान कैसे ये जगत चलाते हैं, सब जीवों को कैसे पालन करते हैं, कैसे चेतन करते हैं, कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, बस नॉलेज होता है। लेकिन भगवान केवल इतने ही नहीं है, भगवान का अपना भी स्वरूप है, वो है कृष्ण स्वरूप, वो है भगवान स्वरूप। तो जब व्यक्ति उनका नॉलेज अल्टीमेट गोल ऑफ ज्ञान, यू कैन अंडरस्टैंड कि यू बिलोंग टू कृष्णा एंड भगवान को सरेंडर करके ही हम सुखी रहते हैं। समझ आगे बात जी माता, ज्ञान का मतलब है कि हम सुखी कब होंगे, जब हम भगवान कृष्ण की शरण। भगवद्गीता में भगवान बिल्कुल क्लियर कहा है, बहुना आनंद जन्म ज्ञान, ज्ञानी तो बहुत से लोग होते हैं,
लेकिन वो ज्ञानी सर्वोत्तम होता है जो भगवान कृष्ण की सीखा है। इसीलिए भगवान ने कहा है 18.66 में कि सब धर्म को छोड़ो और केवल मेरी शरण में तुम चिंता मत करो, तुमने जितने पाप किए मैं उनसे रक्षा भी करूंगा और तुम्हारी आगे भी रक्षा करूंगा, तुम डरो मत। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान आश्रय तत्व है, इसका सब कुछ कर सकते हैं। अब भगवान आदि पुरुष है, उनका कोई आदि नहीं है और हर चीज उनकी person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। भगवान इसीलिए एक्सप्लेन करते हैं भगवद गीता में कि मेरी शरण ग्रहण करो। तो जो ज्ञान का गुहितम अंश है वो यही है कि हम कृष्ण की शरण करें। बहुत जन्मों के बाद लोगों को इतना तो किसी को जो गुरु शिष्य परंपरा कोई बहुत भाग्यवान होता है, जैसे आप सिर्फ इतने ब्रह्मांड में इतने भ्रमण कर रहे हैं लेकिन आप लोग इतने फॉर्चुनेट है कि आप श्री रूपा जैसे परंपरा में आचार्य का संग कर रहे हैं और इतना क्लियर नॉलेज ले रहे हैं जो बहुत तपस्याओं के बाद लोगों को प्राप्त है। ब्रह्म संहिता में भी एकदम क्लियरली ब्रह्मा ने बताया कि ईश्वर कौन है, कृष्ण। तो वो क्या है, सर्व कारण कारण है ना। जैसे प्रभुपाद बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देना कि अगर हम ढूंढे मेरा पिता कौन है फिर उनका कौन है उनका कौन है, लास्ट में पता चलेगा कि जो एक है वो है कृष्ण और उनका कोई पिता नहीं। तो दिस इज वन। तो ईश्वर जो है दर्शन देना चाहते हैं, जैसे हम आपसे बात करते हैं गौरी से है ना, यमिया माता जी से, पूनम माता जी से, आस्था माता जी से, हम आपस में बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, सब भगवान के साथ भी कर सकते हैं। बस हमें अपना ज्ञान लेवल ठीक करना। ज्ञान अगर हम सही व्यक्ति से लेंगे तो हम भगवान के साथ अपना एसोसिएशन भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें, हमें गुरु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। भगवद गीता में भगवान स्वयं क्या है, अगर मुझे जानना है, मुझे समझना है मैं कौन हूँ तुम कौन हो, मैं गुरु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। और वो गुरु जो है वो तद्विधि प्रणिपाते न परि प्रश्न उपदेशन से दे जाना ज्ञानी न तत्व दर्शिना। तो परंपरा में होना चाहिए, तो गुरु तत्वों का सभी तत्वों का सही से ज्ञान होना चाहिए, तो उनकी सेवा करने से आपको ज्ञान होगा। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग इसको मनन करिएगा। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नहीं माता जी। ठीक है, तो प्लीज मार्क दैट पॉइंट, आपके बाद हम नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच माता जी। मतलब ये जो इसमें हमने जब रीडिंग किया था तो उसमें बोला था जितने ज्ञान की तीन अवस्थाएं, दिल विज्ञान के तीन लेवल्स होते हैं ना, जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो पहले एलकेजी में जाते हैं, फिर एसकेजी में जाते हैं, फिर वन में जाते हैं, फिर टू में जाते हैं, है ना। बहुत कम हो गई मेरी आवाज आ रही है अभी? जी मैम अभी आ रही है। यस माता जी। ओके, तो हमें समझना होगा कि हमारा जो जैसे जब हम पढ़ने जाते हैं स्कूल में तो पहले एडमिशन लेते हैं ना एलकेजी में। जी माता जी। जी माता जी। फिर उसके बाद एसकेजी में जाते हैं। जी माता। वन टू में जाते हैं, फिर उसके बाद आप एमए बीए या बीएससी एमएससी करते हैं ना। जी माता जी। तो लेवल के हिसाब से समझ में आती है ना चीजें। जी जी जी। उसी तरह भगवान को भी हम अलग अलग लेवल पर जानते हैं, समझ आया। जब हम एडमिशन लेते हैं नए नए रहते हैं तो हमको भगवान कैसे समझ में आते हैं, ब्रह्म के भगवान कौन है, लाइफ, ये भगवान के बारे में पूरा नॉलेज नहीं। भगवान तो वही है, वही कृष्ण है ना, लेकिन उनके बारे में हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि भगवान केवल लाइफ है। समझ में आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है जी। तो भगवान के बारे में जो नॉलेज है ये हाफ नॉलेज, वो उसी कृष्ण का नॉलेज है, उन्हीं भगवान का नॉलेज है, लेकिन बहुत मेरी जितनी लिमिटेशन है हम उनका परसेप्शन कर पा रहे हैं।
जो और अच्छे गुरु से और अच्छे लोगों से नॉलेज लेते हैं, तब फिर हमें पता चलता है कि नहीं, भगवान केवल लाइट नहीं है, बल्कि भगवान का नाम है विष्णु, उनके चतुर्भुज रूप होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, और उनका इन्फल्जन ही ब्रह्म होता है, लेकिन भगवान जो है वो चतुर्भुज रूप में रहते हैं, और ये भगवान जो है इस मटेरियल वर्ल्ड में जितने भी जीव हैं सबके हृदय में रहते हैं। सुन मैं, जैसे आप अभी चैंटिंग करते हैं तो कोई रिलैक्सेशन नहीं है ना, तब केवल क्या करते हैं, नाम को बोलते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ क्लासेस अटेंड करते हैं, भगवान की लीलाएं सुनते हैं, भक्तों के साथ एक्शन सुनते हैं, उनके कार्य सुनते हैं, तो क्या होता है, जब कभी आप कभी कभी चैंटिंग करते हैं तो जैसे कृष्ण बोलते हैं या हरे बोलते हैं तो कोई लीला भी याद आती है, भगवान का रूप नजर आता है, है ना, कि भगवान जो है त्रिपंग ललित है, ऐसे बंसी बजाते हैं, ऐसे येलो कलर की धोती पहनते हैं, राधा रानी ऐसी हैं, है ना जी। जब हम सुनते हैं तो क्या, तब कभी कभी क्या होता है, हम चैंटिंग करते हैं तो भगवान का रूप भी धीरे धीरे प्रकट होता है, कि हरे मतलब कौन, राधा रानी मतलब कैसी, ठीक है ना। फिर जब हम और एलिवेटेड संग करते हैं और अच्छे और डीपली पढ़ते हैं तो हमें भगवान की क्वालिटीज भी पता चलती हैं, भगवान बहुत दयालु हैं, कृपा सिंधु हैं, भगवान फॉरगेटिंग कर देते हैं, भगवान जीवों की रक्षा करते हैं, भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पापों से बचा लूंगा, तुम सभी धर्मों को आराम से छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ, चिंता मत करो, है ना। तो भगवान की गुण और लीला भी प्रकट होने लगे। तो ऐसे धीरे धीरे जब ज्ञान के लेवल बढ़ते हैं तो हम भगवान के बारे में और जानते हैं। कृष्ण तो देखो, जब हम ब्रह्म के रूप में रियलाइज कर रहे हैं तब भी हम भगवान की वो इन्फ्यूजन एनर्जी है, कृष्ण ही के का ही रियलाइजेशन है, लेकिन बहुत थोड़ा सा रियलाइजेशन, परमात्मा का रियलाइजेशन थोड़ा अपर होता है, उसमें ब्रह्म का भी रियलाइजेशन रहता है लेकिन भगवान के फॉर्म का भी रियलाइजेशन रहता है, लेकिन भगवान का ये ऑफिस फॉर्म है परमात्मा, तो भगवान हमेशा ऑफिस में थोड़ी होते हैं, भगवान के अपनी भी, अपना भी तो रूप है, तो वो है भगवान का रूप, कृष्ण का, भगवान का कृष्ण है, गुरुदेव धाम है, उनकी मैया का नाम यशोदा है, नंद बाबा है, उनके फ्रेंड्स हैं, बलराम जी हैं, श्री राम है ना, भगवान माखन खाते हैं, भगवान ऐसे लीला करते हैं, भगवान की अपनी विल होती है, भगवान गाय चराने जाते हैं, भगवान गोपियों के साथ लीलाएं करते हैं। तो क्या सुन रहे हो, कृष्णा का पूरा वर्णन आप सुन रहे हो। जब आपको भगवान का नॉलेज रहता है तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर परमात्मा का भी नॉलेज रहता है और ब्रह्म का भी नॉलेज रहता है। आप समझते हो कि यही कृष्णा जब मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, क्योंकि जीव जो है वो फोर्स करता है कि वो भगवान से अलग रह के अपना भोग करना चाहता है, तो भगवान कहते हैं ठीक है जाओ, अपना मैं एक बना देता हूँ, रहो वहां पे, क्योंकि जीव तो कुछ क्रिएट कर नहीं सकता, तो भगवान से मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट कर देते, क्योंकि भगवान को वो फोर्स करता है, जीव एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं आपसे अलग हटके एंजॉय करना चाहता हूँ, भगवान वो क्रिएट कर रहे थे। तो परमात्मा का वो भगवान जो है परमात्मा रूप में कारण दक्षाई जगत को दक्षाई शिव दक्षाई विष्णु के रूप में जाके माते केयर करते हैं भगवान, वही कृष्ण है, लेकिन फिर विष्णु फॉर्म में आते हैं, और वही कृष्ण है जो ब्रह्म के इन्फ्यूजन के रूप में तेज के रूप में, भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है वही तेज को हम सूर्य चंद्रमा के रूप में देखते हैं थोड़ा सा, भगवान क्या है, लाइट है, लोग मानते हैं यही कृष्ण है, लेकिन अपने ज्ञान के लेवल के हिसाब से परसेप्शन होता है। आपने वो स्टोरी सुनी थी ना पीछे क्लास में कि श्री प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं हाथी का, किसी ने हाथी कभी नहीं देखा है, ब्लाइंड है ना, और वो बता रहे उनको जो हाथी क्या है, तो एक लोग केवल ट्रंक पकड़ते हैं, एक लोग केवल ईयर पकड़ते हैं, याद है आपको, एक केवल लेग पकड़ते हैं तो खंबे का देखते हैं, कोई पूंछ देखता है तो सांप समझता है ना, सूंड देखता है तो ट्रंक समझता है, तो सबका परसेप्शन क्या होता है, कोई कहता है हाथी क्या है, ट्रंक है, हाथी क्या है, खंबा है, हाथी क्या है, रस्सी है, तो इट इज अ राइट विजन ऑफ हाथी, नो
जो आंख वाला है वो होल सम देख सकता है, हाथी का हाथी के ही पार्ट से बता रहे हैं लेकिन अधूरा एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, हाथी फुल फॉर्म में ऐसा होता है, ठीक है ना जी माता जी, यही आंसर। नाउ इट्स क्लियर जी माता जी। जैसे मेरे माता जी माता है हरे कृष्ण जी 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 बोलो बोलो की फ्रेंड है वो ब्रह्म कुमारी में है ओम शांति है, एक दिन ऐसे ही बात होने लगे तो वो भी बोले तो वही बोल रहे थे कि जो ईश्वर होते हैं लाइट होते हैं प्रकाश होते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब होते हैं लेकिन हम लोग को तो यही बताया जाता है कि भगवान का पूरा वर्णन है, एक एक चीज का मतलब बताया गया कि भगवान का आई कैसे होते हैं, इनका ईयर कैसा है, इनका बाल कैसा, सब कुछ। तो वो कह रही नहीं, मतलब हम लोग में बताया जाता है कि ये सब बस एक लाइट है, इसीलिए भगवद गीता को भगवद गीता के ज्ञान को राज विद्या कहा गया है ना जी, किंग ऑफ नॉलेज, जो लोगों के पास ज्ञान है उसमें सर्वोत्तम नॉलेज, वो लोग की करते हैं सब कुछ हम ही लोग के जैसे करते हैं, जैसे हम लोग लेसन प्यार नहीं खाते वो लोग भी नहीं खाते। हाँ, तो ब्रह्म रियलाइजेशन पहली अवस्था है ना बेटा, उसे ये उनको पता रहता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हम भगवान एक अथॉरिटी के हैं, लेकिन वो अथॉरिटी कौन है क्या है इसके बारे में कुछ पता नहीं था। उनसे पूछे तुम लोग का, हमने पूछा भी तुम लोग की मेन नेम क्या है, जैसे हम लोग को बोला जाता है कि हम लोग का मेन नेम है भगवत धाम जाना, उसी में जाके मिल जाना। हाँ, तो हम लोग को जाना ये है, हम लोग का मेन नेम तो ये है, लेकिन तुम लोग का एम क्या है, हमने पूछा तो बोला हम लोग का मेन नेम लक्ष्मी नारायण के पास जाना है। तो बात तो वही वजह, तुम लोग का लक्ष्मी नारायण के पास जाना है, हम लोग को भी वही जाना है। जैसे तो उनको कृष्ण का नॉलेज नहीं है, माधुरी रस का नॉलेज नहीं, समझ रहे बता। इसीलिए जो भगवत गीता होती है ना बेटा, भगवत गीता का नॉलेज को इसीलिए राज्य विद्या कहा गया, समझने की कोशिश कर, ठीक है। इसीलिए ज्यादा उलझना नहीं चाहिए, लेकिन हमें समझना चाहिए कि लोगों की नॉलेज है लेकिन किसकी सीमा है। देखो, और आपको आप लोग कितने छोटे उम्र में शिल्प, क्योंकि शिल्प्रोपाध्याय, तभी मैंने कहा ना कि ब्रह्मांड भ्रमित कौन है, आप लोग कितने भाग्यवान हो कि शिल्प्रोपाध से जुड़े हैं। श्री प्रभुपाद से जुड़ने के कारण देखिए, आप जैसे छोटे से छोटे लोग जो कुछ ज्यादा नहीं जानते हैं उनको भी श्रेष्ठ नॉलेज है, कृष्ण भगवान है ये बहुत से लोगों को नहीं पता, कितने कितने तपस्वी योगियों को नहीं पता ये बात। जी माँ, आपने क्योंकि आपने श्री प्रभुपाद का एप्रिसिएशन किया है इसलिए आपको ये नॉलेज बिल्कुल पता है, क्लियर, इसीलिए आप लोग भाग्यवान है माता जी। जैसे कि हम लोग देखा जाए तो हम लोग काफी ऐसे जैसे वैसे माहौल में ना, जहाँ यहाँ पे पहुँचना बड़ा मुश्किल है, मतलब कि अब भगवान की कृपा थी कि किसकी भूमि है जैसे कि वहाँ पहुँचना, इस्कॉन से जुड़ना, प्रभुपाद जी के इनके ड्यूटी से एसोसिएशन, ये सब मतलब कभी कभी फील होता है कि हाँ रियल में हम भाग्यवान है। भाग्यवान नहीं, आप लोग रियल में है भाग्यवान, कभी आप वो करता है ना तब थोड़ा सा लगता है माता जी, दादा कभी तुम कोई रहता है ना अरे अभी से बच्ची ये वो लाइफ, लोग कुछ लोग उपहास करने लगते कुछ, तो भाई हीरा हर कोई थोड़ी खरीद सकता है जी माता जी। तो आई थिंक अच्छे से क्लियर कर सकती है, जैसे बहुत से लोग हैं जैसे जैसे आस्था है अभी देखो जॉब करती है, यमुना है जॉब करती है, अपना एक्सपीरियंस बताओ यमुना कैसा है आपका एक्सपीरियंस माता जी, बहुत ही अलग है वहाँ, मतलब जब मैं बाहर ऐसे मिली और सबसे जो भी वर्ल्ड है उन सबके लाइफ में जैसे गोल उनका लाइफ स्टाइल, लेकिन माता जी एक चीज थी, कुछ लोगों से जब मैं मिली तो मुझे महसूस हुआ कि वो दुखी है, मतलब वो ना जानना चाहते हैं, एक जैसे मैं भी जब नहीं थी तो मुझे भी एक रहता था कि कुछ मिल जाए ऐसा, तो उनके पास है तो फिर मैं थोड़ा मतलब अपना बस आपकी कृपा से थोड़ा सा मतलब प्रयास करती हूँ, लेकिन मेरे इतना बच्ची है तो नहीं, तो मैं सबसे ऐसे भगवद गीता दे देती हूँ प्रभुपाद की बुक और जितना मैं समझती हूँ उतना समझाती हूँ, लेकिन ऐसा सब में नहीं है, मतलब कुछ लोग हैं मतलब दुनिया में ऐसे जो जिनको ऐसी भूख है मतलब दुखी भी है और उन्हें बताने वाला ही नहीं है, इसीलिए ना ये नॉलेज को प्रभुपाद क्या करे राज विद्या वेरी रेयर बहुना नाम जन्मनानंद से पढ़ा ना आपने, अनेक जन्मों के ज्ञानी लोगों को जब बहुत तपस्या करते हैं तब जाके ये ज्ञान होता है कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड और वो एक्सेप्ट करते हैं। तो आप सोचिए कि आप लोग कितने बड़े ऋषि रहे होंगे
कितने कितना आप लोग ने तपस्या किया होगा पिछले जन्म, तब आज आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, आप एक्सेप्ट कर। बात समझ में आई? तो इस अपॉर्चुनिटी को समझिए आप लोग, और इस रूपा के ज्ञान को समझिए कि कितना हाई लेवल, दिस इज द हाईएस्ट प्लैनेट, इस पूरे प्लैनेट में हाईएस्ट नॉलेज, शिल्प रूपा का नॉलेज।